नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम सुपरस्टार स्पेशल में, जिसमें हम आपको बताते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े सुपरस्टारों और आपके मन पसंदीदा सितारों से जुड़ी कुछ स्पेशल खबरें। आज भी कुछ ऐसी ही स्पेशल खबरें लेकर हम हाजिर हैं। पहली खबर खेसारी लाल और उनके एक गाने से जुड़ी है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है। इस गाने के बोल हैं, ठीक है। सोशल मीडिया पर जो वीडियोस बनाए जाते हैं एक्सप्रेशंस के साथ, उसमें खेसारी के इस गाने का प्रयोग युवा वर्ग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन हाल ही में इंडस्ट्री की फिटनेस क्वीन और कंट्रोवर्शियल क्वीन भी, यानी गार्गी पंडित भी खेसारी के इस गाने पर परफॉर्मेंस करती नजर आई हैं। इसके अलावा अगली खबर प्रदीप पांडे चिंटू से जुड़ी है, क्योंकि चिंटू ने अपनी विवाह फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। अगली खबर मनोज तिवारी से जुड़ी है, जो हाल ही में लाइव आए और उन्होंने कुछ बातें कही हैं। लाइव आकर क्या कहा है ये भी बताएंगे। अगली खबर रवि किशन के साथ आम्रपाली की जोड़ी से जुड़ी है। रवि किशन ने इंडस्ट्री की लगभग सारी हीरोइनों के साथ काम किया है, सिर्फ आम्रपाली दुबे के साथ छोड़कर, क्योंकि आम्रपाली दुबे ने इंडस्ट्री में जब से कदम रखे सिर्फ निरहुआ के साथ ही काम किए। बीते कुछ महीनों से उन्होंने अलग अलग कलाकारों के साथ काम करना शुरू किया है। इसी में कोशिश रही कि रवि किशन और आम्रपाली को भी एक बार साथ लाया जाए। दोनों ने एक साथ एक फिल्म में काम तो किया है, लेकिन कभी एक साथ जोड़ी के रूप में सिनेमा पर्दे पर या किसी फिल्म की कहानी में ये दोनों नजर नहीं आए। लेकिन एक फिल्म आ रही है संग्राम, जिसमें ये दोनों साथ नजर आएंगे, वो भी एक जोड़ी के तौर पर। इस फिल्म में बॉलीवुड के भी कुछ कलाकार नजर आ सकते हैं। निरहुआ आम्रपाली को सम्मान मिला था गणतंत्र दिवस के मौके पर, जिसमें मुंबई सरकार और योगी जी भी दिखाई दिए। अभी तक जितनी खबरें हमने आपको बताई हैं, उसे विस्तार से जानने के लिए डालिए एक नज़र। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार एक्टर और कई सारे गानों से लोगों के दिलों में खास जगह बनाने वाले खेसारी लाल इन दिनों अपनी नई नई फिल्मों के साथ साथ नए नए विवादों को लेकर भी चर्चाओं में रहते हैं। लेकिन इन दिनों खेसारी का एक ऐसा गाना वायरल हो रहा है जिसके फैन उनके आलोचक भी देखे गए हैं। जी हाँ, हाल ही में खेसारी लाल का एक गाना ठीक है वर्ल्ड फेमस हुआ, जिसके दीवाने सबसे ज्यादा आजकल युवा वर्ग दिखाई देते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में इस गाने पर जमकर कई युवाओं ने वीगो वीडियो भी बनाई और खेसारी के फैन बन गए। खेसारी के फैन लिस्ट में शामिल हो गई हैं गार्गी पंडित। जी हाँ, वही गार्गी पंडित जिनके साथ खेसारी के विवाद भी एक समय पर काफी ज्यादा चर्चाओं में रहे थे। प्रियंका पंडित भी खेसारी के इस गाने पर एक परफॉर्मेंस करती और वीडियो बनाती नजर आईं। जाते जाते बता दें कि कुछ समय पहले गार्गी पंडित ने लाइव आकर खेसारी लाल की आलोचना की थी। उसके बाद दोनों की दूरियां बढ़ती गईं। साथ ही दोनों की दूरियां बेशक से अब कम हुई हो, लेकिन एक दूसरे से बात करना और एक साथ फिल्म में काम करना अब शायद ही दोनों दोबारा कर पाएं। नेक्स्ट टू नाइन न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। भोजपुरी सिनेमा में अभी तक ना जाने कितने कॉन्सेप्ट पर कितनी फिल्में बनी हैं, जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया है। लेकिन हमेशा भोजपुरी सिनेमा में और भोजपुरी सिने प्रेमियों में ये मंशा बनी रही है कि फिल्म तो सुपरहिट वही होगी जिसमें इंडस्ट्री के तीन चहीते सितारे होंगे। हमारा मतलब है पवन, निरहुआ और खेसारी। लेकिन इस सोच को बदल दिया है भोजपुरी इंडस्ट्री के कॉमेडियन और कॉमिक हीरो मनोज टाइगर ने, जिनके लीड रोल से बनी फिल्म पहली बार रिलीज हुई एक सप्ताह पहले, जिसका नाम था लागल रहा बताशा चाचा। जी हां, इस फिल्म को 25 जनवरी को बिहार झारखंड के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया, जिसे लोगों ने खूब पसंद भी किया। इसका नाम था लागल रहा बताशा चाचा, जिसमें मनोज टाइगर के साथ आम्रपाली दुबे एक अलग कहानी के साथ दिखाई दी। नए स्टारों के होने के बावजूद फिल्म मेकर्स ने इस फिल्म में पैसे लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और फिल्म में जमकर पैसा लगाया, उसे बड़ा बजट का बना दिया। जानकारी के लिए बता दें कि मनोज टाइगर की फिल्म लागल रहा बताशा चाचा को इतना प्यार मिला है कि उस फिल्म के कमाई की दुगनी प्रॉफिट फिल्म मेकर्स को पहुंच चुकी है। जी हाँ, और ये फिल्म भी बन गई है इंडस्ट्री की टॉप मोस्ट हिट फिल्म। जी हाँ, इस फिल्म में इंडस्ट्री के तीन बड़े चेहरे ना होने के बावजूद फिल्म हिट साबित हुई है। इस फिल्म को 25 जनवरी को रिलीज किया गया था, जिसे अब तक एक सप्ताह रिलीज हुए बीत चुका है।
जाते जाते बता दें कि इस फिल्म से जुड़े सूत्रों का भी ये कहना है कि एक सप्ताह में इस फिल्म की कमाई ने सुपरस्टारों की फिल्मों को टक्कर दे दी है। कमाई के मामले में इस फिल्म की काफी अच्छी कमाई बताई जा रही है। जब इस फिल्म के कलाकारों को पता चला कि इस फिल्म ने एक सप्ताह में करोड़ों के आंकड़े छू लिए हैं तो सभी के होश उड़ गए। नेक्स्ट टू नाइन न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। भोजपुरी सिनेमा के स्टाइलिश स्टार और युवा स्टार प्रदीप पांडे चिंटू इन दिनों व्यस्त हैं अपनी नई नई फिल्मों के मुहूर्त में। आप लोग जानते होंगे कि इंडस्ट्री में इस साल कई सारे अलग इंडस्ट्री से फिल्म मेकर्स ने एंट्री ली है जो भोजपुरी फिल्म का निर्माण का मन बना चुके हैं। हाल ही में मराठी फिल्म के एक डायरेक्टर भोजपुरी इंडस्ट्री में शामिल हुए जिन्होंने अपनी फिल्म के लिए प्रदीप पांडे चिंटू को साइन किया, लेकिन अगली फिल्म के लिए चिंटू तैयार हो चुके हैं जिसकी शूटिंग जल्द ही शुरू होगी। इस फिल्म का नाम है विवाह, जिसके चर्चे काफी समय पहले से ही थे। चर्चे इस कारण भी हुए हैं क्योंकि पहली बार अक्षरा सिंह और प्रदीप पांडे चिंटू एक साथ एक जोड़ी के रूप में दर्शकों के बीच नजर आएंगे। अभी तक आप लोगों ने इस फिल्म के मुहूर्त के किस्से ही सुने होंगे, लेकिन अब यानी आज से ही इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है। हालांकि फिल्म के सेट पर प्रदीप पांडे चिंटू अकेले ही फिल्म डायरेक्टर प्रदीप सिंह और फिल्म के पीआरओ संजय भूषण पटियाला के साथ दिखाई दिए हैं, जिससे एक बात तो साफ है कि पहले दिन प्रदीप पांडे चिंटू के ही सीन को फिल्माया गया है। लेकिन दर्शकों को अब उस पल का इंतजार रहेगा जब अक्षरा फिल्म के सेट पर चिंटू के साथ रोमांस फरमाती नजर आएंगी या फिर इमोशनल सॉन्ग शूट करती नजर आएंगी, क्योंकि अक्षरा और चिंटू को एक साथ देखे हुए ना जाने कितना समय बीत चुका है। दोनों को एक साथ देखना एक अलग ही दिलचस्पी की ओर मोड़ देता है। फिल्म की कहानी क्या होगी ये कहना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन फिल्म डायरेक्टर्स की जुबानी ही ये सुनने को मिला है कि विवाह फिल्म पूरी तरह से पारिवारिक है। विवाह फिल्म के नाम से ही बॉलीवुड में भी एक फिल्म बनी थी जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया था। शाहिद कपूर की जगह भोजपुरी में प्रदीप पांडे चिंटू भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड की फिल्म विवाह की तरह ही लोगों को ये फिल्म पसंद आती है या नहीं ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। नेक्स्ट टू नाइन न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। हाल ही में फिल्म महासंग्राम का मुहूर्त किया गया, जहां पर रवि किशन, अवधेश मिश्रा और फिल्म के डायरेक्टर के साथ फिल्म की पूरी टीम थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म में रवि किशन के साथ आम्रपाली दुबे नजर आने वाली हैं लीड रोल में, लेकिन मुहूर्त के दौरान आम्रपाली दुबे वहां पर मौजूद नहीं हो पाई थी। लेकिन उसके बाद भी आम्रपाली दुबे ने वीडियो चैट के जरिए हर किसी को बताया कि वो क्यों नहीं वहां पर पहुंच पाई और क्या थी खास वजह थी। चलिए सुनाते हैं आपको आम्रपाली दुबे की जुबानी और क्या कुछ रहा उनके ना आने के पीछे वजह, वो सारी बातें बताते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। आम्रपाली दुबे, आज मेरी फिल्म महासंग्राम का मुहूर्त होने जा रहा है जिसमें मैं पहली बार रवि किशन जी के साथ आने वाली हूँ, स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, बट आई एम सो सॉरी, मैं ऑलरेडी शूट कर रही हूँ, मैं अभी सेट पर ही हूँ, मेरी शूटिंग चल रही है और मुंबई से थोड़ा दूर शूटिंग कर रही हूँ, तो इस वजह से मैं वहाँ उपस्थित नहीं हो पा रही हूँ। बट मेरी पूरी शुभकामनाएं इस फिल्म के पूरी टीम के साथ है एंड आई विश आई वाज देयर, लेकिन मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ अपना आशीर्वाद और अपनी शुभकामनाएं इस फिल्म को दें। तो सी यू इन महासंग्राम। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया से चांदनी की रिपोर्ट। भोजपुरी फिल्मों के जुबले स्टार निरहुआ और आम्रपाली को आप लोगों ने अच्छी फिल्मों के लिए, अच्छे डायरेक्शन के लिए काफ़ी सारे अवार्ड जीते ज़रूर देखा होगा। कई बार अवार्ड फंक्शन में दोनों के नाम की चर्चाएं होती रही हैं, लेकिन दोनों को हाल ही में गणतंत्र दिवस के मौके पर सम्मान मिला है और इस सम्मान समारोह में शामिल हुए थे सीएम योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस। जी हाँ, दोनों के हाथों निरहुआ आम्रपाली को सम्मान दिया गया। ये तस्वीर दोनों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर की और खुशियां भी जाहिर की हैं। वेल, ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी आम्रपाली और निरहुआ को काफी सारे सम्मान मिल चुके हैं।
निरहुआ आम्रपाली के अलावा अंजना सिंह को भी हाल ही में सम्मानित किया गया था। जाते जाते बता दें कि निरहुआ आम्रपाली अपने नए फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हो चुके हैं, जबकि आने वाली 15 तारीख को इनकी एक नई फिल्म रिलीज होगी बिहार झारखंड के सिनेमाघरों में। जी हां, 15 फरवरी से दोनों की जोड़ी से बनी एक बेहतरीन फिल्म निरहुआ चला लंदन सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, जिसका दर्शकों को एक साल से बहुत ज्यादा इंतजार है। नेक्स्ट टू 9 न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। दिल्ली सांसद और भोजपुरी फिल्मों के महानायक मनोज तिवारी हमेशा सोशल मीडिया पर राजनीति से जुड़े और अपने मन की बातों को लाइव आकर या फिर सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस तक और अपने फॉलोअर्स तक पहुंचाते रहते हैं। उनके द्वारा की गई बातें शायद बहुत सारे लोगों को पसंद भी आती हैं, तभी तो सोशल मीडिया पर मनोज तिवारी को फॉलो करने वालों लोगों की संख्या 8.5 लाख से भी ज्यादा है। जानकारी के लिए बता दें कि आज सुबह उठते ही मनोज तिवारी एक बार फिर से लाइव आए और उन्होंने झूठे खबरों पर और साथ ही विपक्ष आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा है, देखिए जरा। दोस्तों सुप्रभात, आप सबका दिन अच्छा हो। मैं दिल्ली में काफी भ्रामक और झूठ की समाचार फैलते हम लोग देख रहे हैं। अभी मैं देख रहा था, जैसे आप लोगों को तो बात पता ही होगा कि आम आदमी पार्टी सबको फोन कर रही है कि आपका वोट कट गया और हम जुड़वा दिए। ये एकदम झूठा प्रचार है। किसी का वोट कटवाना और बनवाना ये चुनाव आयोग का काम है। किसी का वोट तब कट सकता है जब वो 3 चुनावों में वोट ना दिया हो या वो अब दुनिया में ना रहा हो, तो भी उसको सूचना जाएगी। अभी वैसे ही एक और भ्रम हमने देखा, किसी ने चला दिया हमारा नाम लेके और शीला जी का नाम लेके फेसबुक पे मेरी फेक आईडी बना करके कि कौन दिल्ली का मुखिया होगा। ये सब फेक आईडी से चल रहा है। वो मेरे जो भी हमारे प्रमुख लोग हैं देश के, उनका फेसबुक ट्विटर उस पर एक ब्लू रंग की टिक होती है जिससे उसका वेरीफाइड अकाउंट होता है। वेरीफाइड बहुत छानबीन करके होता है। मेरा अकाउंट वेरीफाइड है, इसलिए किसी ऐसे हम लोग इतनी छोटी सोच के लोग नहीं हैं। और इस तरह की कई भ्रामक समाचार आ सकते हैं साथियों, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, सावधान रहिए। नरेंद्र मोदी जी दोबारा देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। देश का बच्चा बच्चा उनके साथ है। जो लोग उनका विरोध कर रहे हैं वे वही लोग हैं जिनका अपना भ्रष्टाचार का साम्राज्य खतरे में है। सो इस तरह की सारी झूठी और भ्रामक चीजों में नहीं जाना है, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहना है। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय दिल्ली। नेक्स्ट टू 9 न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के मेगा स्टार कहे जाने वाले रवि किशन हमेशा से चर्चाओं में रहते हैं। वो भोजपुरी के अलावा हिंदी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। खबरों की माने तो रवि किशन की लड़की यानी रीवा भी अब फिल्मों में नजर आने वाली है। ऐसे में आपको बता दें कि रीवा को बॉलीवुड निर्माता नितिन मोहन ही लॉन्च कर रहे हैं, जिन्होंने रवि किशन को हिंदी फिल्म आर्मी से बॉलीवुड में स्थापित किया था। खबरों की माने तो जब रीवा को बॉलीवुड में काम करने को कॉल किया गया तब रीवा को विश्वास ही नहीं हो रहा था। ऐसे में रीवा बॉलीवुड में काम करने को लेकर काफी खुश है। रीवा के बारे में बता दें तो रीवा नसरुद्दीन शाह के प्ले ग्रुप के साथ 1 साल तक अभिनय कर चुकी है। इतना ही नहीं बल्कि रीवा ने अमेरिका के एक्टिंग कॉप इंस्टीट्यूट में भी 1.5 साल तक अभिनय कर चुकी है और अब वे बॉलीवुड में एंट्री को लेकर काफी तैयार हैं। अब देखना यह है कि क्या रीवा बॉलीवुड में कितना धमाल मचा सकती है। नेक्स्ट 9 टेक से भोजपुरिया की रिपोर्ट। आज के इस खास प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात ऐसे ही आपके पसंदीदा सुपरस्टारों से जुड़ी कुछ स्पेशल खबरों के साथ। लेकिन तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।